बाबा जी गुड़ खत्म हो गया। जाओ भाई बाजार से ले आओ, बाजार खास मिलते ही है गुड़। तो आपको गुड़ खालस चाहिए जी? तो चलो फिर चलते हैं जहाँ खालस गुड़ बनता है। आई निकालो। आई चले हैं। उस्मान देखो हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां आपका खालस गुड़ मिलता है। यहां पहले मैं आपको खूबसूरती यहां की दिखाता हूं, हम दोनों मिलके खूबसूरती इसकी चेक करते हैं, फिर उसके बाद जिधर गुड़ बन रहा है उस जगह पे आपको लेके जाऊंगा। ये इनका घर बना हुआ है, ये लोग रहते हैं इसमें अंदर, और ये सारा इनका डेरा बना हुआ है। उधर चलते हैं जिधर गन्ना काट रहे हैं, जितने भी यहाँ खेत हैं ना इन सब खेतों में गन्ना लगा हुआ था, अब थोड़ा सा गन्ना वहाँ रह गया है जो ये यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इनके और भी खेत हैं जिस जगह पे गन्ना लगा हुआ है। ये देखेंगे ये वो खेत आ गया है जिसमें गन्ना लगा हुआ था, ये बंदे उठा उठा के वहाँ ले जा रहे हैं मशीन के ऊपर। गन्ने के जूस को बॉयल किया जाता है, तो ये उस जगह पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये राख का ढेर पर पड़ा हुआ है, ये देखें जी इस जगह पे ये जो गन्ने का वेस्ट है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है आग की आग के लिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक हैं? ये वो जगह है जहाँ पे राख निकाल कर ये सामने ढेर लगा हुआ है। यार हर चीज का एक प्रोसेस होता है भाई, जबरदस्त गन्ने का ये प्रोसेस है, गन्ना पैदा होने से लेके ये आखिर तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है आपको अंदर लेके जाता हूँ जहाँ गुड़ बन रहा है।
ये जूस बार मशीन से ये पाइप लगा हुआ है, तो इसमें इस टैंक में आ रहा है ये जूस। ये आगे जाली लगी हुई है इसके, ताकि इसमें कचरा वगैरह ना जाए। बोरियों में तैयार हो चुका है ये गुड़, बिल्कुल खालिस गुड़, इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है।